रेन एंड मैन प्रॉब्लम के अंदर पर्सन गोइंग वेस्टवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। चलो एक काम करते हैं, ये वेस्टवर्ड है, ये ईस्टवर्ड है, ये पर्सन वेस्टवर्ड जा रहा है, ये मैन गया वेस्टवर्ड VM, इसकी वैल्यू क्या है 6। रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 8। इस बंदे को लगा, क्योंकि वर्ड क्या आ गया अपीयर, तो इसका मतलब एक्चुअल वेलोसिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको लगा कि रेन नीचे गिर रही है। लगने का मतलब क्या गिवन है, वी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये वैल्यू कितनी है 8। कोई डाउट इसमें? आपको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन का मतलब ये रिजल्टेंट है, वी आर एम वेक्टर रिजल्टेंट है किसका, वी आर वेक्टर का और माइनस वी एम वेक्टर का। कोई डाउट इसमें? सही है यहां तक? इसके अंदर एक काम करना है आपने, ये वी आर वी माइनस वी एम वेक्टर चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, ये क्या बनेगा माइनस वी एम वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका 6 ही है, तो वी ये एक वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर लेना पड़ेगा ताकि रिजल्टेंट वी आर एम बन जाए, तो दूसरा वेक्टर जो लेना है वो यहां कहीं लेना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन का। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे बीच में चाहिए। तो इसके अंदर एक काम करते हैं, ये डायग्राम ऐसा बनाते हैं, तो अगर ये वी आर है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये भी 6 है, ये 6, ये 8, तो ये क्या आएगा 10। तो यानी कि रेन की एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 10। कोई डाउट इसमें? क्योंकि हमने डायग्राम इसलिए रेन का इधर लिया क्योंकि हमें मैन यहां चलता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें लेकिन माइनस वी एम चाहिए, तो हमारा एक वेक्टर तो वो बन गया, रिजल्टेंट बीच में आ गया, तो दूसरा यही बनेगा ना, इसलिए। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? और फिर से देखो, इसके अंदर ये मान लो जो मैन है वो कहां जा रहा है, टूवर्ड्स वेस्ट, गिवन है देखो वेस्ट, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है जिसकी वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, उसे अपीयर होता है, अपीयर होने का मतलब वो क्या बता रहा है, वी आर एम ये बता रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है 8 ये बता रहा है। मुझे ये बताओ कि वी आर एम वेक्टर होता क्या है, वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर। मुझे क्वेश्चन में वी एम गिवन है, माइनस वी एम तो नहीं गिवन, तो मेरे को रिजल्टेंट किन दो वेक्टर का लेना है, इन दोनों का। ये वेक्टर तो मुझे दिख रहा है, इसका ऑपोजिट है मुझे दिख रहा है, ये रहा मेरा माइनस वी एम वेक्टर, एक वेक्टर आ गया रिजल्टेंट आ गया, तो दूसरे वेक्टर को यहां होना ही पड़ेगा वी आर, ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आए। तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ये देखो, तो अगर ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 है, ऐसे। सही है क्या ये पॉइंट? क्लियर है? रेन की वेलोसिटी 10 है, एंगल रेन का, एंगल के लिए इमेजिन कर लो, ये एंगल क्या है थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू आएगी 6/8, तो यानी कि थीटा क्या आएगा टेन इनवर्स 6/8 विद वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल बनाएगी रेन। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका? केस नंबर 3 है जिसके साथ आपको मैचिंग करनी है। कहां लेना चाहते हो बोलो, रेन का वेक्टर ये रहा, आपको कहां लेना है ये? नहीं, नॉर्मली क्या होता है, अगर नीचे ले तो लूंगा, बताना मुश्किल हो जाएगा, तो नॉर्मली रेन ना वर्टिकल के साथ ही टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो सारे एंगल वर्टिकल के साथ, रेन वर्टिकल गिरती है ना, वर्टिकल से कितना टेढ़ी गिर रही है ये बताना होता है, इसलिए वर्टिकल के साथ लेते हैं। ग्राउंड के साथ क्या लेंगे, रेन का एंगल फायदा नहीं ना, वर्टिकल से कितनी टेढ़ी हुई, इसलिए। सही है यहां तक? इस क्वेश्चन के बाद आप क्वेश्चन करें, ये वाला
तो क्वेश्चन है, ऑन अ सर्टन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, किसी दिन रेन कहाँ गिर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड. बताओ ये एक्चुअल वेलोसिटी है वी आर या ये वी आर एम है? कैसे पता? क्योंकि मैन ने थोड़ा बताई है, ये तो एक्चुअल बता रहा है. अगर चलता हुआ मैन बताएगा वो हमेशा वी आर एम होगा. ये तो एक्चुअल में वी आर की वैल्यू गिवन है कितनी, 30. अ विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 10 इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. चलो मान लेते हैं ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये वेक्टर विंड की डायरेक्शन हो गई और जिसकी वैल्यू कितनी है, 10. क्या निकालना है? वो कह रहा है कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पकड़े. मैन तो नहीं चल रहा ना, अगर मैन नहीं चल रहा तो रिलेटिव वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो इसको विंड, इस मैन को जो यहाँ खड़ा हुआ है, रेन और विंड का रिजल्टेंट लगने वाला है, रेन और विंड का नेट वेलोसिटी लगने वाली है. तो अगर ये 10 है, ये 30 है, तो पूछ रहे हैं अम्ब्रेला कहाँ पकड़े, तो इसके ऑपोजिट पकड़ ले कुछ ऐसे. तो रेन उसको ऐसे दिखेगी आती हुई, तो अम्ब्रेला एग्जैक्टली इस वेक्टर के ऑपोजिट होएगा. और मान लो वर्टिकल के साथ इसने एंगल क्या बनाया अम्ब्रेला ने, थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा. थीटा लेना है थीटा ले लो, बीटा लेना है बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, चलो बीटा ले लो बीटा. तो टेन ऑफ बीटा की वैल्यू नीचे वाले ट्राइंगल में क्या आएगी, इस ट्राइंगल में क्या आएगी? ये 10 है तो ये साइड भी 10 है, ये 30 है. टेन बीटा विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 30. तो बीटा टेन इनवर्स 1/3 विद वर्टिकल, क्योंकि जो बीटा ये बनेगा वही बीटा ये बनेगा. तो अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ टेन इनवर्स 1/3 के साथ वो पकड़ के खड़ा हो जाएगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? मैंने इमेजिन कर लिया नॉर्थ से साउथ इधर है, तुम नॉर्थ से साउथ ये भी ले सकते हो, तो तुम इधर ले लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. मतलब ऐसा, ये तो मैंने अपने मन से ले लिया नॉर्थ से साउथ इधर, तुम नॉर्थ वो ले लो साउथ ले लो, तुम्हारा पैरेललोग्राम इधर बन जाएगा, फर्क कोई नहीं पड़ता, एक ही बात है वो तो. पर हम क्यों करेंगे चेंज, वो तो रिजल्टेंट है, इसमें सब्ट्रैक्शन लग ही नहीं रहा. ये तो केस नंबर 1 का क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ वेक्टर, इसमें चेंज ही नहीं करनी. हाँ वैसे अगर होता है तो होने दो, इट्स ओके, कोई फिक्स, कोई कॉपीराइट थोड़ा कि नॉर्थ उधर ही निकलेगा, ये तो कोई जरूरी नहीं. तुम उधर मुंह उधर करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे नॉर्थ उल्टा हो जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक आर्बिट्ररी कुछ वैल्यू लेनी होती है. ठीक है ना, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? मतलब जरूरी नहीं है कि आप नॉर्थ यहाँ लो नॉर्थ यहाँ ले लो, आपकी मर्जी है, इट्स ओके, सही है. कोई डाउट इसमें? मेन चीज़ एक ही है, कौन सा केस कब लग रहा है, बस सही है यहाँ तक. चलो फिर एक बार ट्राई करते हैं 7 के बाद, ये रहा 8th. If a shower of rain appears to be following vertically, देखो जब appear आ जाए फिर तो असली बात कर ही रहा ना. तो rain appear to be following vertically downward with a speed of 12. तो इसका मतलब कि ये जो velocity है vertically downward, ये rain की velocity है with respect to man. क्या ये step पहला clear है?
पर्सन के हिसाब से ये है, और पर्सन मूव कैसे कर रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर रहा है, तो ये मैन की वेलोसिटी टुवर्ड ईस्ट है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 है. व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन, हाँ नहीं वो ठीक है, आंसर ऑब्जेक्टिव में 13 होगा, पाइथागोरस से 13 आएगा. चलो एंगल, एंगल के साथ बताना है, अब एंगल के साथ करना पड़ेगा. तो इसमें क्या करना है, वी आर एम वेक्टर है. वी आर एम वेक्टर का मतलब क्या है, वी आर एम वेक्टर का मतलब है रिजल्टेंट ऑफ वी आर वेक्टर एंड माइनस वी एम वेक्टर. अब मेरे को क्या चाहिए, माइनस वी एम वेक्टर, ये रहा तो एक वेक्टर ये रहा, तो रेन का वेक्टर यहां कहीं बनता होगा, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा. तो यहां से ये इसका पैरेललोग्राम बन गया, इसके अंदर ये 12 है, ये 5 है, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, 13. तो रेन की वेलोसिटी क्या आएगी, 13. केस नंबर 3 का केस है ये. क्या ये पॉइंट क्लियर है, केस नंबर 3, ठीक है. और अगर एंगल निकालना है रेन का, तो सपोज ये एंगल है बीटा, तो इस ट्राइंगल में टेन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 12. तो बीटा इज टेन इनवर्स 5 बाई 12 विद वर्टिकल ऐसे. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कि कैसे सोचना है इसमें,